सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम फिरोज अतार और आप लोग देख रहे हैं सर्प मित्र फिरोज अतार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अहमदनगर से छोटा एक शहर पाथड़ी और उसके करीब 30 किलोमीटर पे ढाकनवाड़ी, इस गांव में हमें कुछ देर पहले कॉल आया था, उन्होंने एक सांप को स्नेक को देखा। तो दोस्तों, अभी हम लोग जाकर देखेंगे स्नेक कौन सा है, इसे फौरन हम रेस्क्यू करेंगे और जंगल में पर्यावरण में जहाँ पर वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा ऐसी जगह आजाद करेंगे, रिलीज करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखो और क्या आने जी, चुप करून घ्यावं पडेल। पांच दिवस आधी 15 दिवसापूर्वी दोस्तों, इसे ही नाग, घेवन, पदम, खरीज और साइंटिस्ट नेम नादा नादा। दोस्तों, तकरीबन पाटड़ी शहर से 30 किलोमीटर पर ढाकनवाड़ी गांव के करीबी जो अपना पत्थर एक साइज में रखे हुए होते जमीन लेवल के लिए, अक्सर गांव खेड़े में जहां पर जानवरों को बैठने के लिए जगह बनी हुई होती है, ऐसे जगह पे दोस्तों ये इंडियन प्रैक्टिकल कोबरा लगभग 2-3 दिन से नजर आ रहा था। आज पूरा दिन उन्होंने काफी अच्छा ध्यान रखा और हमें कॉल किया। दोस्तों, तकरीबन एक घंटे की मेहनत के बाद हमने सांप को रेस्क्यू किया, अभी इसे हम बैग में डालेंगे और पर्यावरण में जंगल में जहाँ पर वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा इसी जगह आजाद करेंगे। दोस्तों, इंडियन कोबरा नाग अगर किसी को काटता है
तो इसका इलाज फौरन अस्पताल में, नहीं झाड़ फूक बाबाओं के चक्कर में और देसी इलाज के चक्कर में पड़े। दोस्तों नाक के अंदर जो होता वेनम होता है, नेरोटॉक्सिक वेनम होता है, और ये तकरीबन इंसान के बॉडी में एक घंटे के 40 मिनट के भीतर अगर बॉडी में पूरा चला गया तो दोस्तों इंसान मर जाता है, डेड हो जाती है। ये सिर्फ इंसान की गलती के कारण होता है। अगर सांप किसी भी इंसान को काट लिया और आपके कानों पे पड़ गया, किसी को सांप काटा, तो इसे तुरंत अस्पताल जाने की सलाह दे, नहीं झाड़ फूक बाबाओं के चक्कर में। क्योंकि दोस्तों सांप, मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, सांप जो होते हैं सिर्फ पर्यावरण में संतुलन बनाने का काम करते हैं। और जैसे मेंढक चूहे जो अपने खेती के अंदर किसान बड़ी मेहनत से खेती उगाते, बीज डालकर, और जो अनाज को चूहा मेंढक बर्बाद करता है फसलों को, ऐसे चूहो मेंढक को ये खाकर सफाया करता है, अपनी खेती को क्लीन करता है। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, सांप देखने के बाद अच्छे अच्छे के जुबान पर एक ही बात आती है, बाप। क्योंकि हर सांप ना ही विषारी है और हर सांप ना ही बिन विषारी, तो इसलिए हम हीरो के माध्यम से आपको हमेशा आगाह करते और बताते कि सांप कौन सा विषारी, कौन सा बिन विषारी है, कौन सा जहरीला है, कौन सा बिना जहरीला। तो अभी जो हमने ढाकनवाड़ी में पकड़ा है, ये विषारी नाग है, इसे अभी हम बैग में डाल रहे और फौरन जंगल में पर्यावरण में अभी आजाद करने निकलेंगे। जहाँ भी जख्मी हालत में आपको कोई प्राणी वन्य जीव नजर आता है, या आपके घर के आसपास जहाँ से आपको सांप दिखने के बाद कुछ घातपात हो सकता है, कुछ घटनाएं हो सकती है, इसलिए हमेशा सतर्क रहे। और आपको कोई भी जीव अगर जख्मी हालत में मिले तो तुरंत हमसे कांटेक्ट करें, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों सांप बचाओ, पर्यावरण बचाओ। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने घर के करीब से एक इंडियन प्रैक्टिकल कोबरा, जिसे हिंदी मराठी में विषारी नाग कहते, रेस्क्यू किया था। अभी जंगल में, पर्यावरण में, फॉरेस्ट के जंगल में इसे हम आज़ाद कर रहे, रिलीज कर रहे। दोस्तों सांप बचाओ, पर्यावरण बचाओ।